नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास ना इस तरह से बहुत सी चूड़ियाँ पड़ी रहती है मेटल की, क्योंकि उनके कलर निकल जाते हैं यूज़ करते करते। तो क्या आपके पास भी हैं? तो चलिए बनाते हैं एक सुंदर सा DIY। तो सबसे पहले चूड़ी को इस तरह से कट कर लीजिए और एक देना है शेप। तो देखिए इस तरह ही छोटे से प्लास की हेल्प से मैं इसमें दे रही हूँ शेप। बहुत ही ईजीली बन जाता है यार, ये मेटल की चूड़ियाँ क्या होती है ना, एक टाइम बाद फेड हो जाते हैं तो पड़ी रहती हैं। तो इससे आपका इतना सुंदर DIY बनेगा ना कि आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए मैंने फटाफट फटाफट खूब सारे बना लिए हैं, तो आप भी इन्हें बना के रेडी कर लीजिए। देखिए खूब सारे मेरे बन के ये रेडी हो गए हैं। अब कुछ और चूड़ियों को कट कर लेना है और हमें कुछ दूसरी शेप भी देनी, क्योंकि हम इन चूड़ियों से बनाएंगे 2 DIY। क्योंकि यार 1 DIY से तो हमारा काम चलेगा नहीं ना, तो हमें चाहिए 2। तो चलिए इस तरह से देखिए डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उस तरह से भी कट कर सकते हैं। मैं इस तरह से ये बना रही हूँ। अब हमें चाहिए एक ही बॉन्ड सील, इसका इसके अंदर ये 2 रहते हैं ना, तो इनको मिला के एक अच्छा सा डो इसका हमारा रेडी कर लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन चूड़ियों को, इन डिज़ाइन को एक दूसरे में चिपकाना है, मतलब स्टिक कर लेना है। देखिए इस बॉन्ड सील से ना बहुत इजीली हो जाएगा, पर ये रहता है कि हमें काफ़ी टाइम लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि ये सूखने में लेता है टाइम, ऊपर से विंटर्स हैं। तो मैंने ये पूरा दिन एक दिन बना के इसे चिपका के छोड़ दिया था और दूसरे दिन इसको वीडियो बनाया था, मतलब मेरा 2 दिन वीडियो बनाया है इसको। तो ये के देखिए सारी इस तरह से चिपका के आप छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड और एक पीस कट करना है। ये मैं रैंडम कोई शेप नहीं है, बस ये किनारे का एक ही पीस है, ये मैं कट कर ले रही हूँ। इसके किनारों को स्मूथ लुक देने के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे पेपर टेप का यूज़। अब मैंने लिया ये मिरर, मिरर को इसके प्लास्टिक से हम हटा लेंगे और अपने इस जो ये हमारे पास एक हमने ये कार्डबोर्ड लिया था इस पे इसको शेप को मार्क कर लेंगे। देखिए अगर आपका मिरर थोड़ा सा और बड़ा है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा बड़ा में ले लीजिए, तो उस हिसाब से आप ये जो कार्डबोर्ड है ना उसकी शेप को बड़ा कर लीजिए। फिर मैंने लिया गैसो का, इसमें ब्लैक कलर का एक कोट मार लिया। आपको कोई और कलर अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए चूड़ियों को भी इसी तरह मैंने अलग अलग कलर, क्योंकि ये अलग अलग कलर की थी सॉरी, तो इसे मैंने पूरा एक लुक दिया है ब्लैक कलर, तो उसी कलर से मैंने इसे कर दिया। अब अपने कांच को मैंने इसे स्टिक कर लिया, थ्रेड की हेल्प से कांच के कॉर्नर भी मैंने सिक्योर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अपने ये जो बैंगल के हमने ये स्टैंड बनाए थे इनको इसमें स्टिक कर लेंगे। देखिए हमारे सारे ये जो बैंगल की शेप है ये इसमें स्टिक कर लीजिए। आप अपने हिसाब से आपको जैसी शेप अच्छी लगती है वैसे कर लीजिए। मैंने इसे अलग अलग से, कुछ निकल भी गई थी तो उसी तरह से देखिए थे स्टिक कर लिया। कहीं कहीं पर कलर हट रखा था तो वहाँ पर मैंने फिर से ब्लैक कलर कर दिया। अब इसको हम रख देंगे थोड़ी देर सूखने के लिए, जब तक ये ड्राई होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम 2 DIY बनाते, तो चलिए अपना दूसरा DIY भी रेडी कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ बैंगल्स हमने अलग शेप में ली थी ना, तो ये वही बैंगल्स है, इन्हें भी मैंने आपस में स्टिक कर लिया था और एक ही शेप दे दिया देखिए। और ले लिए दिवाली में इस तरह की, मैंने ये लाइट्स लेके आई थी जो मेरे पे कुछ पड़ी हुई थी, इन्हें डबल साइड टेप से मैंने स्टिक कर लिया और अपने इस स्टैंड पे लगा लिया। मेरे पास 2 ही पड़ी हैं, आपके पास अगर ज़्यादा हैं और आप बड़ा स्टैंड बनाना चाहते तो बड़ा बना लीजिए। देखिए मैंने दोनों इसमें फिट कर ली एंड इसे अपनी अब दीवार में लगाते हैं। देखिए कितना सुंदर ये मेरा कैंडल स्टैंड लग रहा है, तो है ना क्यूट सा। देखिए बेकार पड़ी चूड़ियों का कितना सुंदर ये यूज़ है। तो चलिए अब चलते हैं अपने पहले वाले DIY पे। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ हमने ये बॉन्ड सील लगाई थी ना, वहाँ पे उसको छुपाने के लिए ये मैं मिरर का यूज़ कर रही हूँ। सारे मिरर में इसमें स्टिक कर लूँगी,
मेरे पास गोल हैं, आपके पास अगर कोई और शेप है तो आप वो यूज़ कर लीजिए। तो मैंने सारे मिरर इस पे लगा लिए हैं और मेरा ये DIY बनके रेडी है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छा लगा हो, क्योंकि यार इस तरह के जो ये वॉल हैंगिंग मिलते हैं बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। जब बाज़ार में जब हम जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही महंगी मिलती हैं। तो आप देखिए, फ्री में बिना किसी मेहनत के ज़्यादा कोई खर्चा किए भी आप इस तरह की चीज़ें घर पर ही क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।